नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक खुशखबरी है आरएमएस के स्टूडेंट्स के लिए। आरएमएस ने एक साल एज बढ़ा दी है क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए। तो जितने बच्चों को लग रहा था कि उनका इस बार अटैम्प्ट नहीं है, तो प्लीज़ एक बार अच्छे से एज का क्राइटेरिया देख लीजिएगा। ये ऐसा पॉसिबल है कि जो बच्चे इस बार नहीं दे पा रहे थे आरएमएस का एग्ज़ाम, वो भी अब एलिजिबल हो चुके हैं। ठीक है, तो एक साल इन्होंने आरएमएस की एज बढ़ा ली है। क्लास सिक्स की अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 बच्चे की एज मांगी गई है, 10 से 12 के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, तो जो एज का विंडो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2008 से लेकर 31 मार्च 2010। ठीक है, तो एक साल इन्होंने बढ़ा लिया। पिछले बार तक क्लास सिक्स में मैं अगर 2019 और 20 की बात करूँ, लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन, तो 10 से 11 एज थी और नाइन्थ के लिए 13 से 14 थी, और इस बार नाइन्थ के लिए इन्होंने 13 से 15 कर लिए। तो ये बहुत अच्छी खबर है, बच्चों को इसमें भी चांस मिल जाएगा अच्छा अटेम्प्ट देने का। ठीक है, तो बच्चे आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करें। क्लास नाइन्थ का मैं आपको फिर से एक बार एज का विंडो बता रहा हूँ, 1 अप्रैल 2005 से लेकर 31 मार्च 2007। ठीक है, तो क्लास सिक्स का जो एज का विंडो है, दैट इज़ 1 अप्रैल 2008 टू 31 मार्च 2010, एंड क्लास नाइन्थ का जो एज का विंडो है, दैट इज़ 1 अप्रैल 2005 टू 31 मार्च 2007। बोथ द डेट्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, जो ये डेट्स हैं ये भी इंक्लूडेड हैं। तो अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2008 है, तो वो भी एलिजिबल है क्लास सिक्स के एग्ज़ाम देने के लिए। और अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2010 है, तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है, तो बोथ द डेट्स आर इंक्लूडेड। इसके बीच की जो भी डेट होगी वो तो इंक्लूड होगी होगी। ठीक है, तो एक बार आप ये देख लीजिएगा, बहुत अच्छी खबर है बच्चों के लिए। एलिजिबिलिटी चेक करिए, आरएमएस का फॉर्म मंगाइए, भरिए एंड अच्छे से प्रिपेयर करिए और आरएमएस में एडमिशन लीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।